मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। मंदिर वंदिर मत जाया करो, माँ बाप की सेवा किया करो, दीन दुखी की सेवा किया करो। क्योंकि जैसे इंसान में ईश्वर दिखता है ना, उसी को पत्थर में भी भगवान दिख सकते हैं। जो इंसान में भगवान को ना देख पाया, जो माता पिता में ईश्वर को ना देख पाया, वो पत्थर में भगवान को क्या देखेगा बताओ? दिखेगा? मंदिर बाद में, पहले नर में नारायण देखो। ये भाव रखो कि सी राम मैं सब जग जाने, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। रावण करता तो था पूजा, लेकिन उसे वनवासी के रूप में भगवान मिल गए, पर वो पहचान कहां पाया? कंस को मिल तो गए कृष्ण, पहचान कहां पाया? शिशुपाल को मिल तो गए कृष्ण, पहचान कहां पाया? गालियां देता था रोज। अच्छा बताओ, शिशुपाल रोज 100 गालियां देता था कि नहीं? सामने थे दुर्योधन, जिस कृष्ण के लिए आप रो रहे हैं वो कृष्ण सामने खड़े हैं और दुर्योधन गाली दे रहा है, ए बांध दो ग्वाले को, बड़ी शांति की बातें कर रहा है। शांति प्रस्ताव लेकर जब आए ना भगवान के, पांडवों को 5 गांव दो, तो दुर्योधन बांधने चला था कृष्ण को। जिन कृष्ण को हम, जिनकी याद में, जिनके लिए रोते हैं भक्त जन, साधु जन, ज्ञानी जन, संत जन, उन कृष्ण को दुर्योधन बांधने चला। क्यों? कृष्ण दुर्योधन को प्राप्त थे, बस पहचान ना पाया। राम रावण को भी प्राप्त थे भाई, लंका में विभीषण भी तो रहता था और लंका में रावण भी रहता था। रावण नहीं पहचान पाया और विभीषण ने पहचान लिया। हाँ या ना, एक ही चक्की काटा दोनों खाते थे। आप पहचान पाए ईश्वर को, आपको क्या लगता है, आपको भगवान मिले या नहीं मिले? बोलो, मिले कि नहीं? आप में से कितने लोगों को भगवान मिल चुके हैं? आपको मिले? आपको मिले? आपको मिले? ये देखो 90% लोग कह रहे हैं हमें भगवान नहीं मिले। तो सवाल पूछता हूं, उत्तर देना। वो जो तुम्हें पैदा की और तुम्हें अपना दूध पिलाया था, वो कौन थी? तुम्हें दूध ना पिलाया होता तो मर ना जाती मैया? तुम उस समय रोटी नहीं खा सकती थी? तुम उस समय चावल बादाम काजू नहीं खा सकती थी? दूध ही पी सकती थी? तो दूध किसने दिया तुम्हारी माँ के आंचल में? दूध ईश्वर, भगवान ही माँ बनकर आते हैं। हम जानते ही नहीं किसी भगवान को, हम तो पहले माँ को जानते हैं ना। इस धरती में बताओ, जब हम आए तो सबसे पहले हमने माँ को जाना कि भगवान को जाना? सब लोग उत्तर दो। तो माँ कौन है? पर आप क्या कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा? देखा सबने है, बात वही ना, दुर्योधन ने भी देखा था, पहचान नहीं पाया। रावण ने भी देखा था राम को, पहचाना ही नहीं। तो जिसने अपनी माँ में भगवान को नहीं देखा, फिर वो भगवान को कहीं नहीं देख सकता। और जिसने अपनी माँ में भगवान को देख लिया, वो सब जगह भगवान को देख सकता है। समझ में आ रही है बात? इसलिए इंसानों की सेवा,
सेवा ही धर्म है, सेवा ही भक्ति है, सेवा ही पूजा है, सेवा ही जप है, सेवा ही तप है। इसलिए हम आप लोगों से कहते हैं सेवा करो, सेवा करो, मानव जाति की, जीव मात्र की सेवा करो। आप कितना भी बड़ा मंदिर बना लो, और कुछ भी आप कर लो, लेकिन वो उपासना आपकी सेवा से बड़ी नहीं हो सकती। श्रवण कुमार ने कौन से भगवान की पूजा की थी, बोलो? सेवा की ना मां की। माता अनुसुईया ने कौन से भगवान की पूजा की? सिर्फ पति की सेवा। यदि आप पुत्र हो तो मां बाप की सेवा करो, आप पत्नी हो तो पति की सेवा करो, आप गृहस्थ हो तो अतिथि की सेवा करो। मतलब आप कहीं भी हो वहां से सेवा करो। सारा मैसेज है, केवल सारा निष्कर्ष है सेवा। इसलिए सेवा ही धर्म है, सेवा ही पूजा है, सेवा ही। भगवान श्री राम क्या सिखा रहे हैं? मां बाप की आज्ञा मानना क्या है? सेवा है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा में। मथुरा में भगवान के पिताजी को बेड़ियां थी, पांव में हथकड़ियां थी, वसुदेव जी बंधन में थे। हाँ या ना? जैसे ही भगवान को लेकर चले बंधन से मुक्त हो गए। जब तक भगवान को लेकर नहीं चले तो वसुदेव जी बंधन में बंधे रहे। ये बंधन क्या है? आप में से कितने लोग बंधे हुए हैं परिवार से, जिम्मेदारियों से? जो बंधे हैं कृपया वो हाथ उठा के मुझे बताएं। कितने बंधे हुए हैं हाथ उठाएं, क्लियर बताओ हमें फटाफट, फास्ट। सब लोग जो बंधे हैं, किससे बंधे हैं आप, बोलो? परिवार से, जिम्मेदारियों से। अच्छा एक बात बताओ, एक गधा था और धोबी उसे रोज धोबी घाट ले जाता था कपड़ा उसके पीठ में रखकर। आज के दिन वो रस्सी ले जाना भूल गया, तो संत जी से बोला धोबी ने कि महाराज मैं गधे को ले तो आया पर आज रस्सी भूल गया, इसे बांधने की बताओ मैं कैसे बांधूं। संत जी ने कहा झूठ मूठ का बांध दे। तो धोबी ने उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, खूंटे में झूठ मूठ का लपेटा, गधे को लगा कि मैं। अच्छा गधे को थोड़ी पता था कि ये रस्सी भूल गया है, ये तो धोबी को पता था। अब लो पूरे कपड़े धुल लिए धोबी ने, ऊपर गट्ठा रखा धोबी को, गधे को एक लाठी मारा, चल। गधा चले ही ना। धोबी ने कहा महाराज ये चलता क्यों नहीं? संत जी ने कहा तूने उसे खोला नहीं। अरे महाराज मैंने तो बांधा ही नहीं। संत जी ने कहा बांधने का झूठ मूठ का अभिनय तो किया था, वो गधा है, उसके गले में झूठ मूठ का हाथ डाला, गधा चल पड़ा। बताओ क्या गधा बंधा हुआ था? उत्तर, क्या गधा बंधा हुआ था? नहीं, लेकिन उसने अपने आप को बंधा हुआ मान रखा था। गधा बंधा हुआ नहीं था पर उसने अपने आप को बंधा हुआ मान लिया। समझ में आई बात? गधा बंधा तो नहीं था पर उसने अपने आप को बंधा हुआ जोर से माना था। उसी तरह आप भी, कोई आप में से किसी से नहीं बंधा, ना परिवार से, ना जिम्मेदारियों से, ना पत्नी से। आज के आज बुलावा आएगा तो जस का तस आपको जाना पड़ेगा। आप में से कौन बंधा है, किससे बंधा है? लेकिन आप भी उस गधे की तरह सारी जिंदगी अपने आप को बंधा हुआ मानते हो। हम बंधे हैं, हम बंधे हैं, हम बंधे हैं। कौन बंधा है बताओ, किससे बंधे हैं आप? परिवार,
ये परिवार को तुम्हारे बाप दादा छोड़ के चले गए, ऐसे तुम एक दिन चले जाओगे, ऐसे आने वाली पीढ़ी, ये तो करोड़ों जन्म से हो रहा है, ये प्रोसेस है ईश्वर का, ये तो भगवान की खेती है। इतना सीरियस क्यों लेते हो संसार को? हम तुम तो फसल हैं, जैसे किसान फसल बोता ना खेत में, पानी सींचता है, खाद डालता है, उसे उगाता है, फिर दवाई छिड़कता है, फिर वो बड़ी होती है फसल, अंकुरित होती है, उसमें बालियां लगती हैं, फिर वो पकती है तो किसान काट देता है। ऐसे ही है, अब तुम्हारे बाल पक गए, मतलब फसल पक रही है। अब तुम कितने भी मेहंदी पोत लो, लेकिन फसल तो पक रही है। ये बाल पक गए मतलब क्या है? फसल अब कभी भी कटाई हो सकती है, कभी भी हार्वेस्टर चल सकता है। अब तुम कितना भी लाल पीले कर लो बाल, आंखें पक गई महाराज, मोतियाबिंद पक गया, ये फसल पक गई। अब पकी फसल खड़ी है, अब कभी भी तुम्हें क्या लगता है कि आप जिम्मेदारियों से बंधे? आपने एक बहुत बड़ी गलतफहमी पाल ली है, आपने ये गलतफहमी पाल ली, आपको लगता है महाराज जी मेरे बाद मेरे परिवार का क्या होगा, महाराज जी मेरे बाद क्या होगा मेरे बच्चों का, सब बढ़िया होगा, तुम आराम से मरो, सब बढ़िया होगा। ऐसे ही तुम्हारे बाप दादे सोचते थे कि मेरे बच्चों का क्या होगा, देखो सब मर गए, ठीक चल रहा है कि नहीं, बोलो आपके बाप दादे मर गए, ठीक चल रहा है, सब बहुत बढ़िया चल रहा है, देखो, और इनके बाप दादों को चिंता इनकी थी और ये बढ़िया चल रहा है, आप तो आराम से मरो। इस गलत फहमी में ना रहो कि हमारे बाद क्या होगा, तुम्हारे बाद भी सब ठीक होगा। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं साखा, सब ठीक होगा। मैं कुछ करता हूं ये गलत फहमी में मत रहो, भगवान सब करते हैं ये है सही बात। मैं कुछ करता हूं ये गलत है, भगवान करते हैं ये सही है।